व्यूअर्स, ये एक हमारे मोहतरम ड्राइवर रेलवे के जो रिटायर्ड हो रहे हैं और आज इसने रिटायरमेंट के आखिरी दिन स्पेशली कोहाट के ट्रिप को सेलेक्ट किया है और इससे बात करते हैं इन्होंने कोहाट को ही क्यों सेलेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, आज माशाल्लाह आपका सुनहरी दौर रेलवे में गुजरा है, रेलवे को आपने रेलवे की बहुत ज्यादा खिदमत की है और आखिरी दिन आपने कोहाट के ट्रिप को सेलेक्ट किया, इस हवाले से बताइएगा। जी माशाल्लाह, कोहाट से मुझे उसी तरह मोहब्बत है जिस तरह मुझे अपने घर से, मुझे अपने गांव से, मुझे अपने इलाके से मोहब्बत है। कोहाट पाकिस्तान रेलवे का एक तारीखी स्टेशन है, कोहाट एक पाकिस्तान रेलवे का एक तारीखी सेक्शन है। आज से 100 साल पहले कोहाट इतने उरूज पे था कि यहाँ दुनिया के लोग टूरिज्म के लिए आते थे पूरी दुनिया से, क्योंकि एक यहाँ ये नैरो गेज और टल तक यहाँ हमारी यहाँ से रेलवे लाइन थी और बहुत सारे सेक्शन थे यहाँ पे कोहाट की तरफ। और ये आप अपने कैमरे को उस तरफ जरा घुमाएं तो वो कितना बड़ा यार्ड है, कितनी बड़ी शेड है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कितना बड़ा रेलवे का सिस्टम था आज से 100 साल पहले, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मैं सलाम पेश करता हूँ कोहाट के अवाम को, कोहाट के लोगों को, जो उन्होंने जदोजहद की, उन्होंने स्ट्रगल की कोहाट के लिए ट्रेन चलाने की और रेलवे की बहाली के लिए। पाकिस्तान रेलवे कौमी अदारा है, इस कौमी इदारे की खुशहाली और उसकी बहाली के लिए पाकिस्तान रेलवे कोहाट अवाम की मशकूर है और खसूसन मैं कोहाट के अवाम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ ये ट्रेन चलवाई और इनकी बहुत ही ज्यादा जदोजहद है, क्योंकि ये कोहाट सेक्शन बंद हो गया था उसके बावजूद भी ये कोहाट सेक्शन पे रेलवे इंतजामिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई तवज्जो नहीं है। खस्ता हाल ट्रैक है, उसके बावजूद आवाम दावन कर रही है, टिकट ले रही है, सफर कर रही है। रेलवे को मैं हुकाम बाला से ये तवक्को करूंगा कि इस कोहाट सेक्शन पे खसूसी तवज्जो दें और अल्लाह करे ये कोहाट रवान दवा हो। आपके सामने ही आजकल पाकिस्तान रेलवे में टूरिज्म का जो निजाम चला है, जी जी, मैं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान रेलवे एक ट्रेन कोहाट के लिए भी चलाए इंशाल्लाह टूरिज्म के लिए। जबर, और जबर। ये मैं मकामी लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, ये आपका इलाका है, आपके इलाके में खुशहाली आएगी, ये रेल आएगी, लोग आएंगे और ये इलाका तरक्की करेगा और खसूसन ये जो नैरो गेज है, ये यहाँ के जो लोकोमोटिव है पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने सजाए हुए हैं, रखे हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि यहाँ उनका होम शेड था, कम अज कम एक लोगो यहाँ भी हो और उसी तरह उसको यहाँ रखा जाए और उसी तरह इस वार्ड की भी अपना बाल हो, रौनक बाल हो। बहरहाल बहुत अच्छे हैं वार्ड के अवाम कि जिन्होंने ये ट्रेन चलाने में बड़ी स्ट्रगल की, इसीलिए आपने कोहाट को ही सेलेक्ट किया है। मैं अपने आखिरी ट्रिप पे खुसूसन कोहाट के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद अपने जितने भी रेलवे मुलाजम कुलीग हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया, मेरे साथ बहुत अच्छे पेश आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आपके ये जूनियर्स जो हैं वो आपसे जरूर SMI नासर है मेरे जी, ये भाई ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है हमारे सेक्शन को, ये मैकेनिकल का जो हमारा शोब है ये उसके इंचार्ज भी हैं और इधर ये SMI हैं, इन्होंने हमारा रनिंग रूम है और इनको मैं मजीद ये भी एडवाइस करूंगा उसमें तवज्जो दें, उसमें अपना मकामी लोगों से मिल के ये कोहाट की रौनकें बहाल कराएं, ये स्टेशन की रौनकें बहाल करवाएं, क्योंकि मुखैर हजरात हर जगह होते हैं और हम अवाम हैं, हमने अपनी भलाई के लिए, अपनी अवाम की भलाई के लिए हमने कोई काम करने हैं, गवर्नमेंट से तो रखना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मेरा भाई टाइम शॉर्ट है, बहुत वेलकम, बहुत शुक्रिया सर।